सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल सम्राट मेडिकल नॉलेज को और साथ में दबाएं बेल आइकन को हमारे सभी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे फेरिफ्रो एक्सटी सस्पेंशन के बारे में। ये दो दवाओं का मिश्रण है जिसके प्रत्येक 5 ml में फेरस एस्कॉर्बेट 30 mg तथा फॉलिक एसिड 550 mcg मिला हुआ है। फेरिफ्रो एक्सटी सस्पेंशन को कैचेट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, जिसका सब्सिडरी अल्केम लेबोरेटरीज है, जो 200 ml के क्वांटिटी में आपको ₹242 की कीमत पर इजीली मिल जाता है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे फेरिफ्रो एक्सटी सस्पेंशन के यूजेज, डोजेज, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जैसे इसका उपयोग किस तरह की परेशानी को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, कितनी मात्रा में किया जाता है तथा इस सिरप का उपयोग करने के बाद क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, ये सारी जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इसमें जो फेरस एस्कॉर्बेट है यह आयरन का कृत्रिम रूप है जो खून के स्तर को बढ़ाता है तथा हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए भी आवश्यक है, और फॉलिक एसिड जिसे विटामिन B9 के नाम से जाना जाता है, यह हमारे शरीर में नए लाल रक्त कोशिकाओं को बनने में मदद करता है। दोस्तों, फेरिफ्रो एक्सटी सस्पेंशन एंटी एनीमिक मेडिसिन है जिसका उपयोग एनीमिया से ग्रसित पेशेंट में किया जाता है जिसमें ब्लड की कमी हो या जो अपने भोजन से उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं ले पाता हो, उस पेशेंट में फेरिफ्रो एक्सटी सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह के ऑपरेशन के कारण कमजोरी आई हो तो उसे ठीक करने के लिए भी फेरिफ्रो एक्सटी सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है। महिलाओं में अत्यधिक मासिक स्राव के कारण उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिससे उसके हाथ पैर में जलन होने लगता है, चक्कर आने लगता है और उनका शरीर कांपने लगता है, तब भी फेरिफ्रो एक्सटी सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है। प्रेगनेंसी में ब्लड की कमी को रोकने के लिए भी फेरिफ्रो एक्सटी सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है। फेरिफ्रो एक्सटी सस्पेंशन में जो फॉलिक एसिड है उसके उपयोग से गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य के साथ साथ उसके जन्म दोष से भी बचाव होता है। फॉलिक एसिड का उपयोग प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले भी दंपतियों को करवाया जाता है। पाइल्स होने पर जब एनस के अंदर और बाहर वाले हिस्से में सूजन हो जाता है, जिसके वजह से पखाना करते समय जोर लगाने पर ब्लड निकलने लगता है और पेशेंट काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, इस कमज़ोरी को कम करने के लिए भी फेरिफ्रो एक्सटी सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है। बात करेंगे इस सिरप को कैसे लेना चाहिए, तो दोस्तों, एक वयस्क और 13 वर्ष से ऊपर के किशोरियों को 5 ml सुबह शाम दिन में 2 बार दिया जाता है तथा 13 वर्ष से नीचे के बच्चे को 2.5 ml सुबह शाम दिया जा सकता है। अब बात करेंगे इस सिरप को लेने के बाद क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, तो दोस्तों, इस सिरप को लेने के बाद आपको जी मिचलाना, उल्टी होना, स्टूल का कलर यानी पखाना का रंग काला हो जाना, ये इनकी कुछ साधारण साइड इफ़ेक्ट्स है। दोस्तों, अगर आपको फेरिफ्रो एक्सटी सस्पेंशन के बारे में और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, इसका जवाब आपको अवश्य मिलेगा। ये थी फेरिफ्रो एक्सटी सस्पेंशन के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।